प्रदेश का कबीरधाम जिला छत्तीसगढ़ का पहला जिला बनने जा रहा है, जहां 484 गांवों में भगवा ध्वज लहराएगा। इसकी शुरुआत जुलाई माह के पहले सप्ताह के बोरला ब्लॉक के तारे गांव से की जाएगी। ये बीड़ा स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और श्री शंकराचार्य जनकल्याण न्यास के ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। जिले में भगवा ध्वज लहराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए सभी गांवों में 21 युवा और 21 बुजुर्गों की टीम बनाई गई है। झंडारोहण का मुख्य उद्देश्य सनातनी धर्म के मंगलमय और सभी को एक करना है। शहर में 5 माह पूर्व 2 समुदायों में झंडा को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद श्री शंकराचार्य जन कल्याण न्यास ट्रस्ट और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कवर्धा पहुंचकर शहर के लोहारा नाका चौक पर 108 फीट के स्तंभ में भगवा ध्वज मंत्रोच्चारण के साथ स्थापना की गई और अविमुक्तेश्वरानंद ने शहरवासियों को वचन दिया कि जिले के सभी गांवों में भगवा ध्वज लहराएंगे। कवर्धा धर्म नगरी है, शांति का एक टापू है, जिसके इतिहास को आप देखेंगे तो शांति के सिवाय, सद्भाव के सिवाय, सौहार्द, प्रेम, समन्वय, इन शब्द के सिवाय आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें इनसे विपरीत कोई भावना हो। जुलाई के प्रथम सप्ताह में परम पूज्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज इस यात्रा का श्री गणेश करेंगे, जो कि कबीरधाम जिला के बोरला ब्लॉक से प्रारंभ होगा। तरेगांव क्षेत्र से यात्रा प्रारंभ होगा। कवर्धा जिले की हर दृष्टि से मंगल हो, इस उद्देश्य के साथ यह यात्रा प्रारंभ हो रही है। इस यात्रा में हर ग्राम में पूज्य स्वामी श्री जाएंगे, जा करके वहाँ विशाला धर्म ध्वज, हमारे भगवा ध्वज की स्थापना करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे एवं वहाँ धर्मसभा को संबोधित करने। जिले के 484 गांवों में एक साथ भगवा ध्वज लहराए जाने से लोगों में हिंदुत्व की भावना जागृत होगी और सनातन परंपरा को लेकर लोगों में जागरूकता भी देखने को मिलेगी। ग्रैंड एसिन न्यूज के लिए कवर्धा से संजू गुप्ता की रिपोर्ट।